आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल द टास्क फ्रॉम टीयर ज़ीरो। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैलेंज ऑन हैक द बॉक्स स्टार्टिंग पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी कनेक्टेड थ्रू VPN। तो आप सभी को पता है कैसे कनेक्ट करना है। उसके लिए पहले डायरेक्टरी पर जाइए जहाँ पर आपका VPN डाउनलोड हुआ है, और वहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल, फिर कोड एंट्री कीजिए sudo ओपन VPN, फिर आपके जो फाइल का नाम है और एंटर। सीक्वेंस अभी कंप्लीट हो गया है। अब वेबसाइट को रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं कनेक्शन। तो ये अभी सक्सेसफुली VPN से कनेक्ट हो गया है। तो अभी टीयर वन का जो पहला मशीन है अपॉइंटमेंट, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मशीन को ऑन कर लीजिए। तो ठीक है, अभी ये कनेक्ट हो गया सक्सेसफुली। तो कनेक्शन चेक करने के लिए IP एड्रेस पे क्लिक कीजिए, तो ये कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद एक पिंग टेस्ट करेंगे और टर्मिनल ओपन कीजिए, और टाइप करना है PING, उसके बाद IP एड्रेस 10.129.2.237, एंटर। तो देख सकते हैं सक्सेस रिस्पॉन्स आ रहा है, सक्सेसफुली ये कंप्लीट हो गया है कनेक्शन। तो अभी क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। व्हाट डज द एक्रोनिम SQL स्टैंड फॉर? SQL का फुल फॉर्म क्या है ये पूछ रहा है। तो SQL का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL एक डेटाबेस का टाइप है, जहाँ पर वेबसाइट सब का डेटाबेस या फिर कोई एप्लीकेशन का डेटाबेस सब स्टोर होता है। व्हाट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ SQL वल्नरेबिलिटी? SQL डेटाबेस का सबसे कॉमन वल्नरेबिलिटी क्या है? तो वो है SQL इंजेक्शन। What does PII stand for? PII अगर आप सर्च करेंगे PII in SQL, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। PII का फुल फॉर्म है पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। इट्स यूज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल आइडेंटिटी सच एज SSN, DOB, बैंक अकाउंट नंबर एसेट्रा। व्हेन यू आर वर्किंग विद ए फाइनेंशियल एप्लीकेशन, यू फेस द सिनेरियो वेयर यू हैव टू स्टोर द डेटा इन एन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट सो दैट नो वन कैन सी द एक्चुअल डेटा। ओके, तो PII का फुल फॉर्म है पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब है कि कहीं पर अगर आप डेटा को इनक्रिप्ट करके स्टोर करते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वो होता है PII। व्हाट डज द OWASP टॉप 10 लिस्ट नेम द क्लासिफिकेशन फॉर दिस वल्नरेबिलिटी? तो ये क्वेश्चन का मतलब है कि SQL इंजेक्शन को OWASP टॉप 10 लिस्ट में क्या नाम से बुलाया गया है। तो OWASP के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। OWASP जो है वो एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है। ये का फुल फॉर्म है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ये एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जहाँ पे वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स, मेथोडोलॉजी और डॉक्यूमेंटेशन टूल्स फ्री में अवेलेबल हैं। तो आप अगर OWASP का प्रोजेक्ट टॉप 10 सर्च करेंगे,
तो आपको ये वेबसाइट मिलेगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2021 में इन्होंने एसक्यूएल इंजेक्शन को A03:2021-Injection के नाम से नामित किया था। तो लिख देते हैं A03:2021-Injection। सॉरी, ये यहाँ पर कोलन है और उसके बाद हाइफन। ठीक है, व्हाट सर्विस एंड वर्जन आर रनिंग ऑन द पोर्ट 80 ऑफ द टारगेट। तो उसके लिए एनमैप स्कैन करना पड़ेगा। एनमैप स्कैन लगाते हैं NMAP, और पोर्ट स्कैन करने के लिए स्विच है S और कैपिटल V, और उसके बाद आईपी एड्रेस हमने कॉपी किया था, पेस्ट कर देते हैं और एंटर। एनमैप का रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो पेशेंटली इसका वेट कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, अगर रिजल्ट आएगा तो मैं रिज्यूम कर दूँगा। ओके, तो अभी रिज़ल्ट आ गया है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि पोर्ट 80 पे HTTP सर्विस चल रहा है और उसका वर्जन है अपाचे HTTP D 2.4.38, उसके बाद Debian ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो इसको कॉपी कर लेते हैं अभी। अपना 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड पोर्ट यूज्ड फॉर HTTPS। HTTPS का मतलब आप सबको पता होगा, HTTP जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो नॉर्मली बहुत पुराना प्रोटोकॉल है वेब पेज सबको सर्व करने के लिए, उसका सिक्योर वर्जन है HTTPS, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, उसका सिक्योर वर्जन है। तो वो कॉमनली जो पोर्ट यूज़ करता है वो है 443, पोर्ट नंबर 443। ओके, व्हाट इज़ वन लक बेस्ड मेथड फॉर एक्सप्लोइटिंग लॉगिन पेजेस। तो हैकर भाई सभी को पता होगा कि जो लॉगिन पेजेस है उसको लक बेस्ड कैसे हैक करते हैं। लक बेस्ड हैक मतलब वो उसमें कुछ लॉजिक नहीं है, मतलब एक यूज़र नेम अपने मन से सोच लिया, पासवर्ड सोच लिया, कॉमन पासवर्ड, और उसको बार बार ट्राई करना, डिफरेंट वर्जन को बार बार ट्राई करना को लक बेस्ड बोलते हैं। तो उसका नाम है एक्चुअली हैक ब्रूट फोर्सिंग, BRUTE FORCING। मतलब अलग अलग यूज़र नेम और पासवर्ड के कॉम्बिनेशन को एक लॉगिन पेज पर बार बार ट्राई करना। अगर आपका लक अच्छा है तो इसमें सक्सेस हो सकता है, इसलिए इसको लक बेस्ड मेथड कहा जाता है। व्हाट इज़ ए फोल्डर कॉल्ड इन वेब एप्लीकेशन टर्मिनोलॉजी। वेब एप्लीकेशन का टर्मिनोलॉजी पे एक फोल्डर को क्या बोला जाता है, वो है डायरेक्टरी। वेब एप्लीकेशन टर्मिनोलॉजी पे एक फोल्डर को डायरेक्टरी बोला जाता है। ठीक है, व्हाट रिस्पॉन्स कोड इज़ गिवन फॉर नॉट फाउंड एरर्स। अगर कोई वेब पेज आप सर्च कर रहे हैं और वो नहीं मिलता है तो उसके लिए क्या एरर कोड शो करता है, वो है 404। अपना 10th क्वेश्चन है, व्हाट स्विच डू वी यूज विथ गो बस्टर टू स्पेसिफाई वी आर लुकिंग टू डिस्कवर डायरेक्टरीज नॉट सबडोमेन्स। तो वो है TIR। व्हाट सिंबल डू वी यूज टू कमेंट आउट पार्ट्स ऑफ कोड। ये शायद है हैश। ओके, तो
अभी रूट फ्लैग सबमिट करना है, तो रूट फ्लैग सबमिट करने के लिए हमें डिवाइस को हैक करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग गोबस्टर यूज़ करेंगे। जैसे कि हम लोग ने एनमैप स्कैन पे देखा था कि पोर्ट 80 ओपन है, तो डेफिनेटली इस आईपी पे कुछ ना कुछ होस्टेड होगा। तो अगर अब हम आईपी को कॉपी करके ब्राउज़र में पेस्ट करते हैं तो हमें एक वेब पेज शो कर रहा है। इसमें कुछ लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए है, तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट आईडी और पासवर्ड ट्राई करेंगे, जैसे कि एडमिन पास पासवर्ड नहीं। तो इस केस में जैसे कि हम लोगों ने गोबस्टर से पता चला कि index.php अवेलेबल है डाउनलोड के लिए, तो उसको डाउनलोड करने के लिए index.php जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं गोबस्टर ने हमें कुछ रिज़ल्ट दिया है, जैसे /.htxx/.htpass/.hta ये सब 403 स्टेटस कोड के साथ आए हैं। मतलब कि ये सब फोल्डर को एक्सेस कर, ये सब डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए हमारे पास परमिशन होना चाहिए। चेक करते हैं, TACCESS परमिशन डिनाइड, तो ये सब फोल्डर को हम एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टरी को। उसके बाद है CSS फॉन्ट्स इमेज index.php JS और वेंडर, जो कि 301 के स्टेटस कोड पे आए हैं। ये सब को हम देख सकते हैं लेकिन इसमें कुछ हमारा फ़ायदा होगा नहीं। तो यहीं से अपना अभी हम SQL इंजेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो SQL इंजेक्शन कैसे काम करता है मैं आपको नोटपैड से दिखा देता हूँ। नॉर्मली SQL का क्वेरी क्या होता है, कुछ इस टाइप का होता है SQL queries। Select ये तो कोई भी डेटाबेस से कोई भी फाइल कोई भी टेबल सिलेक्ट करने के लिए, टेबल का मतलब सारे कॉलम सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जैसे कि अच्छा यहाँ से हम लोग ट्राई भी कर सकते हैं। ये एक टेबल है कस्टमर का, कस्टमर नेम और उसमें सिटी है। तो अगर अपने को सारा टेबल का सारा डेटा चेक करना है तो उसके लिए वो सिंटेक्स है सिलेक्ट स्टार फॉर फ्रॉम कस्टमर्स, तो ये कस्टमर टेबल से सारे कॉलम्स उठा लेगा, सारे रोज उठा लेगा और वो इस तरह से दिखाएगा। तो नेक्स्ट इसमें अगर कोई डेटा फिल्टर करना है तो वो कैसे करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, सपोज मुझे सिटी के हिसाब से फिल्टर करना है तो उसके लिए मैं टाइप करूँगा वेयर सिटी इज इक्वल टू, स्ट्रिंग के लिए सिंगल कोट इसमें यूज होता है SQL क्वेरी में, बर्लिन। चेक करते हैं तो बर्लिन सिटी से हमारे पास एक ही कस्टमर है। ओके तो अभी पूरा चेक करते, दूसरा कुछ फिल्टर करके देखते हैं, पोस्टल कोड के हिसाब से फिल्टर करते हैं। तो यहाँ पे होगा वेयर पोस्टल कोड इज इक्वल टू सिंगल कोट 12209। मुझे लगता है ये पोस्टल कोड भी स्ट्रिंग पे ही होगा, इसीलिए मैं सिंगल कोट का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स भी हैं 12209 से एक कस्टमर है। ठीक है, तो अभी
सपोज़ कि मैं यहाँ पर दो फिल्टर चाहता हूँ, एक पोस्टल कोड से दो फिल्टर, जैसे कि कंट्री कंट्री और पोस्टल कोड से मुझे चाहिए। कंट्री और पोस्टल कोड नहीं, वो तो दो कंट्रीज, हाँ ठीक है, कंट्रीज और पोस्टल कोड से करते हैं। वेयर कंट्री इज इक्वल टू मैक्सिको एंड पोस्टल कोड कोड इज इक्वल टू मैक्सिको क्या है, 05021। तो ठीक है, अब जैसे दो फिल्टर हो रहा है कि एक मैंने कंट्री के हिसाब से फिल्टर लगाया है और पोस्टल कोड, जहाँ पर कंट्री मैक्सिको होगा और पोस्टल कोड ये होगा, तो वो कस्टमर सिर्फ दिखा रहा है। ऐसे जैसे हम लोग सपोज़ यहाँ पर इसको पुट करेंगे, तो वो कैसे क्वेरी होगा, वो होगा वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस, वो मुझे लॉगिन चाहिए उसका, वो लॉगिन कर सकता है, जो ये ट्रू होगा वो लॉगिन कर सकता है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, कैसे काम करता है, सपोज़ मैंने इसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर दिया है इस पे, तो एसक्यूएल पे ऐसा है कि अगर मैं कोई पार्ट को कमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं उसके बाद अगर ऐसे एक हैश सिंबल दे दूंगा, तो इसके बाद का सारा जो पार्ट है वो कमेंट हो जाएगा। यूज़र नेम की जगह एडमिन एडमिन, जैसे यहाँ पर हम लोग ने, आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ये मैक्सिको जो है सपोज़ ये यूज़र नेम है, एडमिन है, तो उसके बाद अगर हम लोग एक एपोस्ट्रॉफी और उसके बाद ये पाउंड का सिंबल दे दें, तो उसके बाद जो पासवर्ड का जो फिल्टर का प्रोसेस होगा वो कमेंट आउट हो जाएगा। मतलब अगर हम पासवर्ड पे कुछ भी लिख सकते हैं, वो यहाँ जो क्वेरी है उस पर शो नहीं करेगा। ओके, तो ठीक है, हम लोग कैसे लिख सकते हैं फिर, एडमिन, मैंने एक दो बार ट्राई किए हुए हैं इसीलिए वो यहाँ पे शो कर रहा है पहले से, एडमिन एपोस्ट्रॉफी उसके बाद हैश, और फिर पासवर्ड पे कुछ भी दे देते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और लॉगिन। देख सकते हैं ये लॉगिन हो गया, इसी तरह से हम लोगों ने ब्रेक किया है। ये हैश का मतलब इसके बाद का सारा ये कमेंट आउट हो गया, जो कि कुछ इस तरह से कमेंट आउट होने के बाद ये इस तरह से एग्जीक्यूट होगा, कंट्री इज इक्वल टू मैक्सिको, मैक्सिको ये है क्या, मैक्सिको। ओके, तो ये आ गया अपना फ्लैग। तो हम लोगों ने अभी हैक द बॉक्स का जो अपॉइंटमेंट मशीन था उसको क्रैक कर लिया है। अब दूसरे वीडियो में हम सीक्वल सीक्वल, मैं शायद इसे ठीक से प्रोनाउंस कर नहीं पा रहा हूँ, सीक्वल को क्रैक करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। दूसरा वीडियो मैं कल पोस्ट करूँगा, तो उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक करके हम ये हैक द बॉक्स पे जितने भी फ्रीज मतलब फ्री मशीन सब हैं, उस सब को क्रैक करेंगे, तो इससे आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। तो प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।